विलक्षण लक्षण होता है। अब बात्सल्य भाव को स्वीकार करके कर्माबाई नाम के एक माता भी प्रभु को प्राप्त की कि जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई नाम के एक भक्तिमती माता रहती थी। वह नित्य प्रति ठाकुर जी का आराधना करते थे। वे स्नान आदि क्रिया के बिना करके ही खिचड़ी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे। तो यह बहुत दिन भोग लगाते लगाते प्रभु भी उनके वशीभूत हुए। प्रभु उनके प्रेम में वात्सल्य जो मही है कि हमें ठाकुर जी को जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी कुछ खिलाना है, क्योंकि सुबह सुबह ठाकुर जी यह बाली भोग करके फिर गोष्ठ के जाएंगे। अब इसीलिए उनको जल्दी जल्दी भूख लगता है ठाकुर जी को, और गोपाल है भाई छोटा सा है तो तुरंत भूख लगता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगता है। तो एक बार जो कर्माबाई है नित्य प्रति बहुत जल्दी स्नान आदि करने से पहले जल्दी जल्दी खिचड़ी बना करके भोग लगा देते हैं। तो प्रभु भी एक दिन बाल्य अवस्था में धारण करके वे आए और उनके गोद में बैठ करके खाना खाए। ऐसा रोज नित्य प्रति प्रभु आते थे और उनसे प्रसाद वे खाते थे, और उनका भी दर्शन प्रभु ने उनको भी दर्शन दिया। अब जो कर्माबाई ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक बार कोई एक साधु आया और उनसे थोड़ा बातचीत हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे भोग लगाते हो, क्या संबंध है। अब कर्माबाई ने बोला कि देखो हाँ, हम तो सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ करके हम तुरंत खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बना के ठाकुर जी के भोग लगाते हैं। अब साधु तो कहे कि ठीक है, पर ये आप तो सदाचार को नहीं पालन करते हो, सदाचार को आप पालन तो नहीं कर रहे हो, तो सदाचार पालन करना। तो बोले प्रभु सदाचार क्या होता है? तो बोले सुबह सुबह उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाना होगा, ठाकुर जी स्मरण करना होगा, दंत दमन आदि क्रिया होता है, उसके बाद फिर आकर के स्मरण आदि करना है, फिर आकर के स्मरण करो मंत्र आदि, फिर आकर के ठाकुर जी को खिचड़ी बना के भोग लगाना चाहिए, और मंत्र मंत्र सब ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है, सब करना पड़ेगा। तो कर्माबाई ने बोले ठीक है, तो आप सही लगाएंगे। अब दूसरा दिन कर्माबाई साधु तो बोल करके वे चले गए। अब एक दिन सुबह कर्माबाई ब्रह्म मुहूर्त में उठा, उठ करके वे नहाए धोए दंत धावन आदि क्रिया की, जैसे साधु ने बताया वे भी ऐसे क्रिया कर्म करने लगे। अब करके उनको सुबह जो खिचड़ी भोग लगाते थे बहुत देर हो गया ये सब करके, अब खिचड़ी तो बनाए नहीं और प्रभु भी भूखा है। अब जैसे ही खिचड़ी भोग लगाई बना के, तो प्रभु ने तुरंत आए और आकर के जैसे ही इधर उनका आधा खाना हुआ और उधर जगन्नाथपुरी में भी ठाकुर जी को भोग लगाए। अब ठाकुर जी इधर जो झूठा मुंह था वो झूठा मुंह भगे हुआ पे। अब वहाँ पे जो ठाकुर जी के विग्रह है, उस विग्रह के जी ने देखा कि भाई ऐसा कैसी घटना हो गई। अब पुजारी जी ने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु ऐसा क्या दिव्य लीला हुआ आपका कि ये झूठा कहाँ से आया, क्या बीच क्या। अब प्रभु प्रार्थना से प्रसन्न हुए और बोला कि देखो ऐसा ऐसा मेरा एक भक्त है कर्माबाई, ये सुबह सुबह मेरा भोग लगाते हैं, वात्सल्य भाव से मेरा सेवा करते हैं, और भी सुबह सुबह नहा धोते नहीं, मुझे भाव मेरा भाव में प्रेम भाव में आकर के वात्सल्य भाव में वे मेरा नित्य भोग लगाती है। तो आज कोई साधु गया काल और साधु जा करके ऐसा ऐसा बोला कि आचरण का सिखाया उनको, तो वो वह आचरण पालन करके उनको देर हो गया। तो आप मैं आदेश कर रहा हूँ, आप जा करके उस साधु को बोलो कि पुनः जा करके जैसे मेरा भोग पहले लगाती थी
उसी प्रकार लगाए। अब जो पुजारी जी हो तो ढूंढने लगे भाई कौन साधु है कौन साधु, बड़ी मशक्कत करने के बाद में साधु उनको मिला और साधु को सारी वृत्तांत सुनाए। अब साधु भी डर गया, कह रहे भाई अब तो हमारा ठाकुर जी नाराज हो गया। अब यह तुरंत साधु जाकर के कर्मा बाई को जाकर के कहा कि ऐसा ऐसा माता और की बड़ी प्रार्थना गुणगान की और क्षमा प्रार्थना की कि आपके भाव के पीछे तो भगवान आपके साक्षात वशीभूत है, तो आपका तो क्या कहना, आप जैसे पहले भोग लगाती थी अब उसी प्रकार से भोग लगाइए ठाकुर जी का और भजन करते रहिए। तो प्रभु वात्सल्य में आभसित होकर के यह लीला रचना की, वात्सल्य का जो रस है उस वात्सल्य में यह भावना होना चाहिए साधक में कि जो गोपाल है वो बड़ा छोटा है और गोपाल जी को तो बड़े भोग लगता है तो इनको समय समय पे खिलाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खिलाओ इनको, नवनीत आदि खूब करके व्यंजन करके इनको खिलाओ। तो वात्सल्य भाव में ही प्रभु आकृष्ट होते भक्तों के ऊपर भी। अब यह कि आचार आचरण अवश्य तो करना चाहिए हम जैसे व्यक्तियों के लिए जो प्रभु के उस चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो नियमित रूप से सेवा में कर रहे हैं उनको तो उसी प्रकार करना चाहिए। पर जो चरम अवस्था में जो पहुंच चुके हैं उनकी विचार नहीं कर सकते हैं, वो कैसे भी करें वो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, पर हम जैसे जीवों के लिए तो यह आचार आचरण अवश्य ही करने की जरूरत है। अगर कोई उस भाव में है भावित हुए है तो उनके लिए कोई नियम आचार नहीं है, वो वैसे कर सकते हैं भाव वशीभूत होने के कारण। भावग्राह जनार्दन, वो तो भाव भले ही स्वीकार करते हैं पर वही बात है कि तटस्थ होकर के विचार करने पर कुछ तात्म्यता आ जाता है। इसीलिए साधकों को शास्त्र निर्देश गत जो प्रणाली है उसको श्रवण करके उसी के नियम अनुसार चलना चाहिए। जब भाव उपस्थित हो जाए तो जब भाव राज्य में प्रवेश हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं। तो प्रभु भी ऐसे ही लीला रचते हैं कि वो भाव के वशीभूत है एकमात्र। Thank you.